आपने सुना है कितने टाइम से वर्कआउट कर रही हूँ मैं, वेट लॉस हो गया लेकिन टमी फैट बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे बस वर्कआउट करने से थोड़ी ना रिजल्ट मिल जाते हैं, जितना इम्पोर्टेंट वर्कआउट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डाइट भी होती है। हे वेट, ये डाइट एंड ऑल मुझसे नहीं होता यार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। व्हाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट? एक्सरसाइज करना भी जरूरी है लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है, इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मोबरा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कॉन्टेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। ऐरोली कांटे के दूसरे टनल का नगर विकास मंत्री और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों ब्लास्टिंग कर किया गया उद्घाटन। ट्रैफिक मुक्त होगा 1.5 साल में शील पाटा परिसर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे के करीब ठाणे बेलापुर एलिवेटेड रोड जो बनाया जा रहा है मार्ग, इसमें महत्वपूर्ण है 2 टनल का काम, जिसमें से 1 टनल का काम लगभग पूरा होने पर है, वहीं दूसरे टनल के काम की शुरुआत 24 दिसंबर को की गई पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों। मंत्री एकनाथ शिंदे ने ब्लास्टिंग कर इस काम का उद्घाटन किया। 1.68 किलोमीटर लंबाई के इस एलिवेटेड रोड में ये टनल बनना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से ये ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, कल्याण फाटा, शील फाटा, यहाँ पर जो यातायात जाम होता है अक्सर, यहाँ पर घंटों लोगों को जाम में परेशान होना पड़ता है, उसके चलते इस काम को तरजीह दी गई, प्राथमिकता दी गई और इसी के चलते इस दूसरे टनल का भी काम नगर विकास मंत्री पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। इस पूरे काम को लेकर के हमारी बातचीत हुई नगर विकास मंत्री और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से, उन्होंने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं, साथ ही किस तरह से दूसरी टनल का उद्घाटन किया गया ब्लास्टिंग के जरिए वो तमाम वीडियोज भी आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्टिंग सक्सेसफुल झाली, बाकी जण टाळ्या वाजवा, चालले टाळ्या वाजवा। ये टनल जो है ठाणे बेलापुर जो एलिवेटेड रोड है 13 किलोमीटर का, उसमें से ये 1.7 किलोमीटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टनल है। इसमें 3x3 लेन है, एक एक लेन है, सर्विस लेन रखा है और इसके वजह से मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, ये पूरी जो लोग हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये केवल 10 मिनट में पार किया जाएगा, ऐसा ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है। ये काफ़ी एमएमआर क्षेत्र में बहुत ही रिलीफ देने वाला बड़ा प्रकल्प है। सर कब तक शुरू हो सकता है ये? अभी डेढ़ साल में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया। छः महीने के भीतर मुमरा तक शुरू हो जाएगा, मुमरा तक शुरू, और 1.5 साल में पूरा कम्प्लीट कटाई तक हो जाएगा।